हेलो गाइस, मैं हरप सारसन, मोहम्मद अशरफ, मैं अहमद अल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो अलोक सर की वीडियो। वीडियो का टाइटल है पागल हुआ पाकिस्तानी क्रिकेटर। कौन भी पागल हो गया है पाकिस्तानी, थोड़ी सी सेटिंग भी कर लेंगे। आई थिंक मुझे लगता है वही होगा। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, जो ये पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बहुत बड़े क्रिकेटर हैं हसन रजा, वो तो मान ही नहीं रहे यार। वो लगातार जो हैं वो मतलब वही कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वो लगातार अब उनका एक तो वो अपनी पुरानी बात पर कायम है कि भारत जो है वो बॉल में उसने कुछ किया है, और बॉल जो है वो अलग बॉल दी जा रही है जब भारत की बैटिंग आती है, और दूसरी बॉल दी जाती है जब भारत की बॉलिंग आती है। मतलब दोनों में फ़र्क है, और भारत की मदद के लिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो DRS का नियम है वो भी बकवास है, वो भी भारत को फेवर में रख के दिया जा रहा है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी फिजूल बातें वो कर क्यों रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर से। तो बॉल में हसन भी अभी भी कोई गड़बड़ है? आप देखिए, गड़बड़ नो डाउट, गड़बड़ का एक टॉपिक तो ऐसा था कि मैंने तो बॉल मैन्युफैक्चरर नहीं बनाई ना, मगर मैंने वही बताया था कि बॉल का ओंस होता है, एक पॉइंट होता है, कितने पाउंड की बॉल होती है, उसका जो ऑन से कितना हैवी होता है, कितना लाइट होता है, मैंने बताया था। और वो दो चीज़ें ऐसी थी कि जहां पर लाइट बॉल होगा वहां पर स्पिन होना शुरू हो जाएगा, बॉल जो स्पिन हो भी होगा। और आज क्या हो गया, जडेजा ने फिर जो है वो आउट किए हैं, उसने 5 आउट कर दिए अपने करियर बेस्ट के एक और इनिंग में। फिर यही बात है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम कि जहां पर यार हसन रजा, आप क्रिकेटर हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो आप ऑन्स की बॉल कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आप वेट, बॉल की वेट बता रहे हो ना भाई, वो स्टैंडर्ड वेट है, कम ज्यादा वेट का नहीं हो सकता। जैसे वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी फुटबॉल का एक वेट है, उसका प्रेशर, एयर प्रेशर, वो उतना ही होगा, एक रेंज है उसकी, उतने में ही होनी है। क्रिकेट की बॉल का फिक्स है कि इतने ही वजन का बॉल होना चाहिए, और आप ICC पर सवाल उठा रहे हो। मतलब आपने मतलब 7 टेस्ट मैच खेले हैं और शायद 15 या 16 वनडे मैच खेले हैं, और आप ICC जैसी संस्था पर आप ये कर रहे हो। अरे आपके टीम की परफॉर्मेंस खराब है, आप ध्यान मत भटकाओ ना इधर उधर यार, कैसी बातें कर रहे हो यार आप। आपके कहने का मतलब है कि भारत को अलग वेट की बॉल दी जा रही है और दूसरी टीमों को अलग वेट की बॉल दी जा रही है। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? कमाल है यार। गिरस लिया गया, विंडर डूसन मेन बैटर्स हैं वहां पर, लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो है वो स्पिन होके कैसे जा सकता है, लेग स्टंप पे बॉल गिरा हुआ गेंद वापस मिडिल में कैसे आ सकता है बॉल, वो तो बिल्कुल ब्रैकेट से निकलता है, इंपैक्ट इन लाइन बॉल था और लेग स्टंप पे जा रहा था बॉल। वो तो यही जो चीजें हैं वो अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे, और मैं भी यही ओपिनियन दे रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा चेक किया जाए, और जिस तरह से चेक करेंगे चीजें आप, फिर वही बात याद आएगी। आप कह रहे हैं कि DRS क्यों नहीं जा सकता है? क्या आप शेन वॉन की वो बॉल भूल गए जो लेग स्टंप के बाहर पड़कर, और शायद उसने मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था, जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, वो भी लेग स्पिनर थे। आप भूल गए उस बॉल को? आप क्रिकेट खेलने के बावजूद ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैनिपुलेट हो रहा है बिल्कुल, और नजर आ रहा है ये पहला DRS नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो DRS जो है पिछले 2-3 जो है रिव्यू, फिर वो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें कितना क्लोज था साउथ अफ्रीका अगेंस्ट लास्ट विकेट की पार्टनरशिप पे, और वो बिल्कुल भी जो है उसको अपोलोजाइज नहीं किया गया, उसको कोई फेवर में नहीं गई पाकिस्तान की। तो यही चीजें होती हैं कि होम कंडीशंस, होम एडवांटेज, और इफ एंड बट अगर मगर चल रहा है। फिर मैं बात बताऊंगा वही आपके DRS की, वो याद है सैयद अजमल जब थे उन्होंने बॉल किया स्टंप में लगाया, लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर बैटर्स खेल रहे हैं और उन्होंने जो है रिव्यू लिया है, तो उसके बाद वही मिडिल का बॉल था और वो फिर लेग स्टंप निकल गया ना, 2 फुट के फासले से जो है वो 2 फुट के फासले से बॉल निकल गया। तो एक इलेक्ट्रिशियन, जिस तरह से इलेक्ट्रिक चीजें हैं आजकल, बायो मैकेनिक चीजें चल रही हैं, वो एक डिफरेंट चीज है, और बॉल हाथ से निकलना एक अलग चीज है। हसन रजा की एक और स्टेटमेंट आ गई है, वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे खड़ा हूं कि BCCI और ICC इंडियन बॉलर्स को डिफरेंट बॉल्स देते हैं, जिससे ये स्विंग और सीम करते हैं और स्पिन भी करते हैं ना, ये बॉल्स डिफरेंट होती हैं, ये लाइट और हार्ड बॉल का डिफरेंस है। वो कह रहे हैं कि अभी भी इसको इन्वेस्टिगेट करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे बैकलैश देता है या क्रिटिसिज्म करता है, इसको चेक करें कि इंडियन बॉलर्स जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, उनको गलत फेवर मिल रहा है, ICC BCCI और थर्ड अंपायर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हसन रजा
की पहली स्टेटमेंट ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, उनको एक दफा दोबारा फेमस कर दिया था। पहले वो फेमस हुए थे 14 साल के जब वो थे, जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड मुझे कॉपी करता है, बॉलीवुड ने फिल्म बना दी थी 2007 में चेन कुली की, मैन कुली, वो मेरे ऊपर बनाई थी। 13 साल के क्रिकेटर को डेब्यू करा रहे थे कि हसन रजा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बॉलीवुड ने हसन रजा की कॉपी की। वो कहते हैं आकाश चोपड़ा जी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेला हूं, मैं मोहम्मद कैफ के साथ भी खेला हूं, आप लोग ज्यादा ना बोले, मुझे ज्यादा पता है, हसन रजा कह रहे हैं। हसन रजा कहते हैं मेरे 14,000 रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 3600 हैं, इतने हंड्रेड तो लेके आओ, इतने रन तो लेके आओ। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने में कुछ नहीं जाता। फरीद भाई एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा फरीद खान जी, बुरा मत मानिएगा, जितना हसन रजा अपने आप पे श्योर नहीं होंगे उससे ज्यादा श्योर आप हसन रजा पर हैं, क्योंकि आपको मौका मिल गया है भारत को बदनाम करने का, भारत पर कीचड़ उछालने का, बीसीसीआई को बदनाम करने का, बीसीसीआई पर कीचड़ उठालने का, और आप ये काम लगातार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आपके वीडियोज में लगातार आप ये काम कर रहे हैं, और जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। देखिए अगर व्यूज के लिए कर रहे हैं तब भी यह गलत है, फैक्ट पे बात कीजिए। अब एक जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि आपने कहा कि 14,000 रन हुई है, आप उनके इंटरनेशनल करियर की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर इतने ही अच्छे प्लेयर थे हसन रजा तो पाकिस्तान की तरफ से खेलकर क्या उखाड़ लिया उन्होंने? 7 मैच में 250 रन टेस्ट मैच में, और 16 वनडे मैच खेले उन्होंने और उसमें भी 250-350 रन है। अरे कुछ बोलने से पहले कुछ पढ़ लो यार, कुछ समझ लो, वेटेज बना लो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 14,000 रन है और वो बात कर रहे हैं कि मोहम्मद कैफ की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आकाश चोपड़ा की बात कर रहे हैं। जाके डेटा पहले चेक कर लो फरीद जी, डेटा चेक कर लो, डेटा क्या कहता है। इतने बड़े तोप प्लेयर थे हसन रजा, इतने 30 मार खान थे, तो पाकिस्तान टीम ने उन्हें बस 7 टेस्ट मैच और 16 वनडे मैच खिलाए, बस इसी काबिल समझा। और वो भी काबिल क्यों ना समझे, उनकी परफॉर्मेंस देख लो, उसमें 7 टेस्ट मैच में करीब करीब 250 रन एवरेज निकाल लेना, 18 या 20 का एवरेज है कुछ ऐसा ही है, कल दिखाया था मैंने, और 16 वनडे में भी वही करीब 250-300 का रन, 20-22 का एवरेज वहां पे। और आप ऐसे ऐसे मतलब वो बोल रहे हो जैसे पता नहीं कितने बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने पता नहीं क्या बात कर दी है। वसीम अकरम से बड़े प्लेयर हैं फरीद खान, जरा आप बताइए, वसीम अकरम से बड़े प्लेयर हैं हसन रजा? वसीम अकरम की बात सुनवाई थी ना मैंने कल, फिर भी शर्म नहीं आ रही आपको? क्यों ऐसे बने हुए हो यार, कुछ लॉजिक पे बात कर लो, कुछ फैक्ट्स पे बात कर लो। ऐसे हवा हवाई बात करोगे, किसी और के कंधे पर बंदूक रख के अपनी जबान ऐसे चलाओगे, लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, यकीन मानिए लोग भरोसा नहीं करेंगे, फिर आपको मजाक की तरह लेना शुरू कर देंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो थोड़ा सीरियस होकर बात करिए, फैक्चुअली बात करिए। किसने सपोर्ट कर दिया भाई जरा बताइए मुझे हसन रजा को? उनके प्लेयर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर्मर हो चाहे अभी क्यों, और किस खेत की मूली है भाई हसन रजा? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं 14 साल का नहीं हूं, वो कह रहे मैं 40 साल का हूं, लेकिन बात मैंने 50-60 साल वालों की कर दी है। अपना तजुर्बा मैंने निचोर के एक्सपीरियंस जो है अपनी बातों में एनालिसिस में डाल दी है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसकी वेटेज है। वो कह रहे दुनिया में मुझे पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन अपने बॉलर से पूछो, पूछो सिराज से, पूछो शामी से, पूछो बुमराह से, क्या आप मकाया एंटनी और एलन डोनाल्ड हो? उन्होंने कहा आप लोग कैसे इतनी स्विंग और सीम कर रहे हो? आज एलन डोनाल्ड मकाया एंटनी कहीं और से पैदा हो गया थे या किसी और प्लेनेट के प्लेयर थे? वसीम अकरम जितनी स्विंग करते थे बॉल, रिवर्स स्विंग करते थे, वो किसी और प्लेनेट के प्लेयर थे? कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाहते हो कि भारत में कभी वैसी स्विंग और वैसी तेज बॉलिंग करने वाले बॉलर से पैदा नहीं हो सकते? अगर ये लॉजिक है फरीद जी आपका, तो फिर मुझे आपके सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने पर बहुत बड़ा शक है। फिर मुझे आपका ना पाकिस्तान से मंगवाना पड़ेगा आपका पूरा बायोडाटा, तब समझ में आएगा कि आप कितने सीनियर हो।
फिर इंडिया 243 रन से जीत गया साउथ अफ्रीका से। जडेजा ने ऐसा वो वेब क्रिएट कर दिया, जाला बिछा दिए, समझ नहीं आ रहा किसी को। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 326 स्कोर हो गया और इंडिया ने इतनी जल्दी साउथ अफ्रीका को आउट कर लिया। उससे पहले 300 रन से मैच जीते श्रीलंका से, आज वो जीते 200 रन से भी ऊपर से। तो ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से पॉसिबल है, यही तो हसन रजा पूछ रहे हैं। और आज रात उनका फिर एनालिसिस आएगा, तहलका वो दुनिया में आज भी मचाएंगे, क्योंकि इंडिया ने फिर से जल्दी आउट कर दिया अपने ऑपोजिशन को। और हसन रजा की बात जो है ना वो फिर वजन रखती है, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान से खेले हैं भाईजान। बात असल फरीद जी, अगर आपने ये साबित कर दिया कि हसन रजा बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो असीम वक्रम से बड़े प्लेयर हैं, वो शोएब अख्तर से बड़े प्लेयर हैं, तो आप जो कहोगे मैं आपकी बात मान लूंगा, जो कहोगे। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जांपल दूंगा, आपको बुरा लगेगा, ये बहुत बुरा लगने वाला है, ये मैं यकीन मानिए, लेकिन ऐसे समझाने इस एग्जांपल से बेहतर एग्जांपल और कोई नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि जी हसन रजा कह रहे हैं कि जी जांच करानी जाए चाहिए, जांच करा लो, जांच कराने में क्या जाता है नहीं जाता है। अच्छा, एक बात बताता हूं, मुझे ये शक है कि आपके जो फादर है वो आपके असली फादर हैं, मुझे शक है इस बात पर, और मैं चाहता हूं कि आप डीएनए टेस्ट कराएं। क्या आप मेरी बात मानेंगे, क्या जाता है टेस्ट कराने में, जांच करने में क्या चला जाएगा, करा लो एक बार टेस्ट कि आपके अब्बू आपके असली अब्बू हैं कि नहीं है। बात बुरी लगेगी, यकीन मानिए, माफी भी मांगता हूं मैं आपको, लेकिन यही एग्जांपल है आपको समझाने का, यही एग्जांपल है। क्या आप टेस्ट कराएंगे, प्लीज करा लीजिए ना डीएनए टेस्ट, जिससे पता चल जाए कि आपके अब्बू असली अब्बू हैं कि नहीं। सुन के गुस्सा आएगा ना आपको मेरी बातों पर, सुन के गुस्सा आएगा ना, गुस्सा जाहिर सी बात है आना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मेरा सवाल है जो बेवकूफाना है। ये सवाल मैं जाहिलपने के तौर पर पेश कर रहा हूं, मेरा जाहिलपना दिखता है इसमें कि मैं आपके अब्बू पर सवाल उठाऊं कि आपके अब्बू जो है वो आपके असली अब्बू नहीं है। ठीक यही बात हसन रजा ने की है कि जांच करा लो, जांच कराने में क्या जाता है। अरे जिस बात का कोई सिर पैर ही नहीं है, जैसे आपके अब्बू पर सवाल मैं उठाऊं, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है मेरी। ठीक ऐसी ही बात ये भी है कि बॉल बदल गई है तो बॉल में चिप लग गई है, तो बड़ी बॉल तो मोटी बॉल तो हल्की बॉल तो शाइनिंग बॉल तो ये बॉल तो वो बॉल, इसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से मेरा ये आरोप बेबुनियाद है, आपको इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है कि आप अपने अब्बू का डीएनए टेस्ट कराओ, वैसे ही बीसीसीआई हो चाहे आईसीसी हो, वो क्यों ध्यान देगा ऐसे वाहियात सवाल पे। अगर आप सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो तो प्लीज मेरी बात को सीरियसली सुनिए, समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं, कम से कम अपना भरोसा बताइए, अपना भरोसा बचाइए। लोग आपको मजाक में उड़ान लगे हैं, अभी आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा कि आप जो बात कर रहे हो सही बात कर रहे हैं, तो अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाइए, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। अब पता नहीं आप इस बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, अब क्या कहें। मैं पता क्या है, बात असल में ये है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू जो बनते हैं वो हमेशा गटर में गिरते हैं, और गटर में जब गिरते हैं तो उनके मुंह के ऊपर कीचड़ ही लगता है। परफॉर्मेंस वो देता है जो चुप करके अपना काम करता है, और टीम इंडिया वैसा ही कर रही है। ऐसा बोलना है रमीज हसन राजा का, रमीज राजा ने पीसीबी को शटअप कॉल दे दिया है और बोल दिया है कि और उछलो और कूदो और परफॉर्मेंस देख लो पाकिस्तान टीम की, नकट्टू किस्म की इनकी परफॉर्मेंस है, इन बगैरतों की, इन जाहिलों की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, इनकी औकात है कि ये जो है वो सर उठा के भी चल सके। और ये कुछ पाकिस्तानी घंटे या जो मीडिया में बातें फैला रहे हो ना कि जी कोहली का शो फिक्स था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच फिक्स था, कोहली आउट था, कोहली के बल्ले पे बॉल लगी, डिकॉक ने पकड़ी वो आउट था, फिर अंपायर ने आउट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के फैंस। बेटा देखो, जब आप किसी का मुकाबला ना कर सको, जब आप किसी के लेवल तक पहुंच ना सको, तब गिराने में पाकिस्तान ने टॉप किया हुआ है, नीचे गिराने में, ट्रोल करने में, फजूल बकवास करने में, बगैरता बगैरत पुनः दिखाने में हमने टॉप किया हुआ है। वैसे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से कहीं अच्छी बातें ये भाई साहब कर रहे हैं, कहीं अच्छी बातें और कहीं लॉजिकल बातें कर रहे हैं, ये लॉजिक बता रहे हैं। वो तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हसन रजा ने कह दिया तो वो जी कुरान से निकली हुई बात हो गई कि जी एकदम सच्ची बात है,
उस पर विश्वास करना ही चाहिए। तब यार शर्म करो थोड़ी सी, कि जो है वो किसी टीम ने अच्छा किया तो उसकी तारीफ करो, कोई टीम अच्छा कर रही है तो उसकी तारीफ करो। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में, मुझे वीक लिंक बताओ टीम इंडिया का। रमीज राजा ने बोला है कि टीम इंडिया को मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि रमीज राजा कमेंट्री कर रहा है उधर, तो रमीज राजा ने बोला कि टीम इंडिया इससे पहले किसी एक डिपार्टमेंट में तो वीक होती थी ना, कभी फास्ट बॉलिंग वीक आ तो कभी नंबर चार का मसला चल रहा है, बेटा इस बार कोई मसला नहीं चल रहा। वो जिस माइंड सेट से ग्राउंड में उतरते हैं वो जीत के माइंड सेट से उतरते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है ये अगली टीम को। यार मतलब बात भी तो, इंडिया भी तो ज्यादती कर रहा है ना, वो तो 50 ओवर खेलते हैं और दूसरी टीम को 15 ओवर में पैक कर देते हैं, बस ज्यादती तो ना, कम से कम यार उन्होंने 3 ओवर तो खेल लेने दिया करो, वो भी बेटा घर से बारी लेने आए होते हैं। मतलब इंडिया उस सारे ओवर खेलता है और दूसरी टीम को जो है वो 15 ओवर में पैक कर देता है, मतलब मजाक बना दिया उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट का। साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो 400 साढ़े 400 मार रही है, और बेटा वो 83 पे गई है, वो श्रीलंका वाले और जिन्होंने मेरे घंटू को जो है वो 350 मारा था, तो वो भाई वो 55 भी ऑल आउट होगा, तो मजाक तो फिर है ना। और ये जो बैठ के बातें कर रहे हो ना कि टीम इंडिया ये जो जी फिक्स करवा के मैच खेलते हैं, इनको फिक्सिंग करवाओ, ये जी इनको कोई नई बॉल दी जाती है, मतलब आपकी छत पे आपके कोठे पे खेलने जाते हैं ना वो मैच, आपको इनको नई बॉल और नई पिच दी जाती है, थोड़े इंसान के बच्चे बनो, थोड़ी सी शर्म हया कर लो। और अगर आप में शर्म हया बच चुकी है ना, तो ये जो अपने घंटे लटकाए हुए हैं ना, ये जो अपने घंटे के किंग है बेटा, इनको डिफेंड करना छोड़ दो, इनको डिफेंड करना छोड़ दो, अच्छी क्रिकेट का साथ दो, फिर एनालिसिस किया करो। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा थकर टीम साबित हुई अभी तक, बेटा फखर जमान की एक इनिंग से आप ऊपर ना उछलना शुरू कर दो, फखर जमान कल को फ्लॉप हो जाएगा, विराट कोहली की तरह बनो ना कंसिस्टेंट। इस टूर्नामेंट में कोहली के हर मैच में रन आते हैं, कल उसने 49th वनडे 100 स्कोर किया और बाबर आजम की तरह वो उछला नहीं है। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़ी जबरदस्त बात किया विराट कोहली ने कि मैं अपने आइडियल के साथ अब मेरे रिकॉर्ड मैच हुए हैं बस, और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बाबर घंटे की तरह नहीं है कि उछले है ये है वो है बाजू चढ़ाए हैं, बेटा वो बड़ा काम एंड कूल रहा है, उसको पता है कि सचिन तेंदुलकर क्या क्या है क्या था और मैं क्या हूं। नो डाउट विराट कोहली सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर है, लेकिन बेटा रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की आनी चाहिए। यही बात जो है वो वसीम अकरम ने भी की है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में एक ही जीत के साथ आई है, वर्ल्ड कप जीतने की जिद से, और ये वो वर्ल्ड कप जीत के रहेंगे, उनकी जिद है कि वर्ल्ड कप जीतना है, उनकी ये जिद है कि बेटा वर्ल्ड कप किसी भी तरह वर्ल्ड कप जीत के जाना है, और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली ही बॉलिंग कर रहे हैं। रात को जडेजा ने 5 ले ली हैं, कभी शमी 5 ले लेता है, कभी सिराज 5 ले लेता है, कभी बुमराह 5 ले लेता है, कभी कुलदीप या 5 ले लेता है, आप में से कितनों ने 5 ली हैं? मैच विनिंग स्पेल बताओ मुझे शाहीन अफरीदी का, टेपिए का मुझे मैच विनिंग स्पेल बताओ, वो हसन अली बोबजी घंटे का, वो बाबर आजम के उठाने वाले का, उठाऊ उसको तो मैं उठाऊ कहता हूँ उसका, जरा लच्छो बांदरी का मुझे बताओ ना जरा मैच विनिंग स्पेल्स है ही कोई नहीं है। और बेटा बाबर आजम से ज्यादा रन तो रऊफ टेपिए ने खाए हैं इस वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा छक्के अगर किसी को पड़े हैं इस वर्ल्ड कप में वो टेपिए को पड़े हैं, और इतने इतने मुझे 10 छक्के तो वो 100 मीटर के खाया उसने, बड़ा आकड़ इसमें इतनी कुत्ते से ज्यादा इस बंदे में आकड़ थी, ऐसी टूटी है इसकी आकड़ लग समझ गई है। बेटा ये प्रोपेगंडा करना छोड़ दो, मैच फिक्स था ये था वो था, बस यकीन करो, मैं भी दुआ कर रहा हूं इंडिया हमें सेमीफाइनल में ना मिले, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है, मिलना इंडिया नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं बोल के सुना रहा हूं, अगर इंडिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मिल गया, कोलकाता का स्टेडियम में मैच है बेटा, वो नंगा करके मारेंगे, नंगा करके इतना मारेंगे ना वो खून निकलेगा, क्योंकि वो जिस फॉर्म में चल रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की टीम 100 रन भी नहीं कर पाएगी उनके आगे, वो साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत बैटिंग लाइन आपको उन्होंने, मैं कहता हूं सांस नहीं लेने दिया, तो तुसी किस खेत दी मूली हो, आप तो ऑफिशियली इंटरनेशनल घंटे हो, आपको तो उड़क देंगे, तो फड़क देंगे आपको। तो टीम इंडिया तो भाई अलग ही फॉर्म में चल रही है, मतलब वो तो बेटा किसी को मतलब क्या कौन सी चीजें खा के आती है ये, मतलब वो तो जी अजीब ही किसी माहौल में है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, मतलब मैं बात क्या करूं, तो मैं बात यही बोलूंगा कि वर्ल्ड कप जल्दी खत्म हो और टीम इंडिया वर्ल्ड कप उठा ले, बस यही मैं बोलूंगा, मेरी दुआ भी यही रहेगी कि जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो वर्ल्ड कप जीते। बाकी वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें, आपसे मिलता है नेक्स्ट, मैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
चलिए दोस्तों, तो इनकी बातें हमने सुनी, ये कम से कम उनसे तो बेहतर बात कर रहे हैं। और मैं आता हूं हसन रजा पर। हसन रजा को क्या हो गया है? उनका सच में मेंटल बैलेंस जो है वो खराब हो गया है। जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे ना, बॉलर, उन्होंने सही कहा कि इनका मेंटल चेकअप कराओ भैया, ये एक तरह से पागल हो चुके हैं हसन रजा। अगर ऐसी कोई बात होती, अच्छा शोएब अख्तर से बड़े प्लेयर हो हसन रजा, शोएब अख्तर से बड़े प्लेयर हो, शोएब अख्तर का क्या कहना है टीम इंडिया के बारे में, टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में और टीम इंडिया के बॉलिंग के बारे में, ये आप सुनो। ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार, अब क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर, आई मीन हैरत की बात यह है कि चलें हमें 2-3-4 बॉलें लगती थी सेटल डाउन होने के लिए, स्विंग सीम समझने के लिए, ये तो पहले बॉल से ही आता है, इज़ राइट ऑन द मनी। जब ये बॉलिंग इतनी प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा सेट कर देता है सराज और शामी के लिए, तो वहाँ पर चांस ही नहीं बचता। जडेजा अगेन इज़ एन एसेट एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन इज़ एन एसेट। वो विकेट विकेट बॉल करता है, अगर थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा हो, थोड़ा स्पिन हो रहा होगा तो आपकी मौत है उसमें। जडेजा के रन्स आप देख लें बैटिंग से, वो अमेजिंग है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द बॉलर्स, क्योंकि यार बॉलर्स बहुत तबाहकुन बॉलिंग कर रहे हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट यू स्टार्ट रिगार्डिंग इंडियन पेस बॉलर एज यू डू इट विद फॉर द बैट्समैन बेसिकली। सो आई थिंक यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द फास्ट बॉलर ऑफ इंडियन क्रिकेट, बिकॉज दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब यार इन लास्ट 3-4 गेम्स एंड दे आर लुकिंग अपार्ट। सुन लिया? तो अगर बॉल में छेड़छाड़ हो रही होती, अगर बॉल बदले जा रहे होते, डीआरएस में टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के हिसाब से कर दी जाती होती, तो शोएब अख्तर को नहीं दिखती क्या? शोएब अख्तर के स्ट्रेचर का बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी वेटेज है ना, तुम्हारे बात की वेटेज नहीं है हसन रजा, क्योंकि तुम गली मोहल्लों के क्रिकेट वाले हो। फर्स्ट क्लास में जी मैंने 14,000 रन मारे हैं। अरे हमारे यहां ना ऐसे 14,000 वाले कितने हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और गिनती नहीं है उनकी, और तुम कंपेयर कर रहे हो पता नहीं किस चीज से। वसीम अकरम को कुछ नहीं दिखा, शोएब अख्तर को कुछ नहीं दिखा, रमीज राजा को कुछ नहीं दिखा, तुम्हें ही सब कुछ दिख रहा है हसन रजा, जिसकी कोई हैसियत नहीं है इतने बड़े क्रिकेटर के सामने, जो 7 टेस्ट और 16 वनडे से ऊपर नहीं उठ सका, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रन बता रहा है। आकाश चोपड़ा के फर्स्ट क्लास के रन देखे हैं? पता नहीं, हो सकता है उससे शायद ज्यादा ही हो, बहुत। और नहीं भी होंगे तब भी, कमाल है यार। और हसन रजा को ये लोग समझ बैठे हैं कि बाप रे बाप, हसन रजा इतना बड़ा प्लेयर है, जैसे डॉन ब्रेडमैन ने ऊपर से आके कह दिया हो कि जी मैच में तो गड़बड़ चल रहा है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे तो हंसी आ रही है इस पगलैट पर, बस टीवी पर आना चाहता है, फेमस होना चाहता है, बस इसी के लिए। और पाकिस्तान के लोग इसमें माहिर हैं, फरीद खान भी वही कर रहे हैं। फरीद जी आपको बुरा लगेगा बट आप भी वही कर रहे हो, उलूल जुलूल बयान पर आप अपनी सहमति दे देते हो और ऐसे बात करने लगते हो जैसे एकदम ये सच्ची बात है। सुधर जाइए, फैक्ट लेकर आइए, थोड़ा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का जो रुतबा है उसको कायम रखिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए बयान, एक और नए बयान नहीं, एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें पहले भी जब ये जो हसन रजा का नाम है, जब इंडिया ने श्रीलंका को 55 रन पर आउट किया था, तो पहले उस वक्त इसने ये बात की थी कि ये बॉल चेक करवा लेनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आज फिर जब इंडिया ने धोया उसको साउथ अफ्रीका को, जो कि बड़ी 30 मार खा बनी फिरती थी, और जो रगड़ा उनके बॉलर्स ने उनको लगाया है साउथ अफ्रीका को, मैं कहता हूँ वो अनबिलीवेबल था। मैं यकीन नहीं कर, मैं शॉक्ड था पूरा कि उन्होंने कर क्या दिया। तो जो फिर कम अक्ल होगा वो फिर उसका यही ध्यान होगा कि यार ये हो सकता है इसमें कोई धांधली हो। और मेरे ख्याल में जब आईना देखते मुँह अपना ही नज़र आता है, मुझे लगता नहीं किसी और का आता है। मैं जब आईना अपना देखूँगा, मैं अपने आने के सामने बैठूंगा, तो मुझे अपने ही चेहरा नजर आना। मैं ये नहीं कहता कि सारे पाकिस्तानी बेईमान हैं या सारे इस तरह के हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो हमारे माशरे का हाल है, पाकिस्तान का माशरा बड़ा ही अजीबो गरीब का हो गया है, तो मुझे लगता है कि उसको अपने आईने में अपना मुंह नजर आ रहा है। और मेरे
ये जेन से उसका सवाल बाला तारा है कि ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी एक मतलब इदारा है, इदारे के अंडर वो एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो बॉल चेंज करेंगे इंडिया की बॉलिंग के लिए और बॉल लेंगे, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका की बॉलिंग के लिए और बॉल लेंगे, मेरे जेन से ये चीज़ें नहीं मुतमिन मैं नहीं हो रहा। ये अजीब गरीब कई वो फिर वही सवाल फिर लोग सन भी किया कि मैं सवाल कर दूँ कि आपके बाप आपके अंदर आपके बाप का डीएनए नहीं है तो फिर एक प्रूव करोगे, क्योंकि वो गाड़ी बात है अहम करना सवाल है भाई। देखिए कि यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, आम जो जेन है स्पेशली श्रीलंका का मान लिया जो साउथ अफ्रीका के साथ हो गया वो तो आदमी नहीं भाई। भाई देखिए ये पहले भी इसने कहा है तो मेरे ख्याल में उसको लगा कि मेरी वीडियो काफी चल गई है तो एक और छोड़ता हूँ, भाई ने दूसरी भी छोड़ दी और फरीद खान तो उससे ज्यादा छोड़ रहा था कि भाई ये है वो है, तो जैसे कह रहे हैं कि इमैच्योर नहीं बंदा होता तो ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि आलोक सर ने ये भी कहा है कि भाई तुम्हारी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है कि तुमने सारे 16 मेरे ख्याल में मैच खेले ओडीआई खेले हैं और 6 या 7 मेरे ख्याल में टेस्ट खेले हैं, 200-250 इधर है 200-250 उधर होगा, 500 सारा आपका स्कोर है, तो आप पहले खुद को देखना चाहिए। तो ये तो मैं कहता हूँ कि बेबुनियाद है, इंडिया के लिए स्पेशल वो फेवर दे रहा है, मुझे लगता है कि इंडिया वाकई जबरदस्त है भाई, उनकी पहले बैटिंग जबरदस्त थी लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जो बॉलिंग है वो भी इम्प्रूव किया, तो इससे यही जाहिर होता है कि भाई वो एक अच्छी टीम है ना, कि बाल वगैरह चेंज करने से कितना ज्यादा फर्क हो जाएगा इतना नहीं। असल भाई एक बात जो बात सच है वो मान, बाल से फर्क पड़ता जरूर है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये जो बॉल है चेंज हुआ कि नहीं हुआ नहीं इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि यह ऐसी बोंगी है, लगता तो भाई इस तरह ही है क्योंकि यार इतने बड़े बॉल से फर्क बड़ा पड़ता है आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसलिए भाई बॉल से फर्क नहीं पड़ता, बॉल से बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे देख ले नई और पुरानी बॉल कितना फर्क होता है। अच्छा देखिए यार ना मैं नहीं मानता इस बात को, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता होगा, नहीं होता यार 50-50 चांस फर्क पड़ जाता है, ज्यादा पड़ता है 19-20 का नहीं होता, ना ना 19-20 का अगर फर्क होता तो नए बॉल से विकेट जो निकलते हैं वो पुराने बॉल से क्यों निकलते हैं, ठीक है ना, ये चीजें समझने वाली हैं। क्या कह रहे थे मतलब भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अच्छे रन यानी कि बना रहा था और जीत गया है, अगर ये इंडिया के खिलाफ बनाया तो ये जीत सकता है, मैं ये नहीं समझता कि बॉल का मसला अच्छा ये चिप वाला क्या है यार ड्रामा से हसन रहा है कि चिप चले मैं मान लिया चिप लगी है, जब उसकी इतनी जोर से हिट लगती है क्या वो टूट नहीं जाएगी, अंदर लगा जाए अंदर ही लगा अंदर फिर काम कैसे करेगी, काम भी कर लिया चिप घुमाएगी कैसे बॉल को, यार अजीब हूँ मैं ये आज सारा दिन सोचता रहा ये वीडियो से पहले, ठीक है मैं मान लेता हूँ चिप भी लगी होगी, अगर बाहर लगी काम करेगी बाहर लगी टूट जाएगी, चलो अंदर लगी फिर भी काम कर तो घुमाएगी कैसे, किसके साथ उसका कनेक्शन होगा, क्या पीछे को रोको रिमोट कंट्रोल चीज, फिर उस चिप को जो है एनर्जी कहाँ से मिलेगी चलने के लिए, पता नहीं भाई क्या है ये क्या उनके अजीबो गरीब नहीं बस ये कुछ, अगर हमें भी है ना इस पर कुछ शक तो हम के स्पोर्ट्समैन से पूछ लेते हैं जो क्रिकेट खेलता है, मैंने तो अपनी जिंदगी में मैं बातें तो मैंने भी इस तरह कभी नहीं यार सुनी, पहली मरतबे पहली मरतबा यार कभी नहीं पहले सुना, तो चिप बोल चिप की वजह से बॉल स्विंग करता है असल रजा की बोंगी है कौन सा उसने कोई इतना बड़ा कह रहे क्रिकेटर असल में वो जो था ना फरीद खान दूसरा बात भी ज्यादा बड़ी बड़ी छोड़ मैं तो समझा कि फरीद खान उसकी बेइज्जती कर रहा मीठी मीठी हसन रजा की, तो मुझे नहीं पता चला वो दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक चलाने वाला है ना, हाँ फरीद खान तो वो जब वीडियो बाद में लोग सर ने बताया ना कि तुम्हारा जो बाप है वेल डन आपका असल नहीं है, बात मुझसे ये जब कोई सामने आपका जीतता ना आपको उसको भी अप्रिशिएट करो उनके टैलेंट को, बात मकसद है आप उसमें नुकस निकालने शुरू कर देंगे ये कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। अच्छा यार ना वैसे मैं बड़ा शॉक दूं पाकिस्तान की जीत से, इंडिया की तो हूं ही क्योंकि वो मुसलसल 7 मैच जीत चुका है, 8 है बहुत जो हूं यानी कि मुसलसल कोई हारा भी नहीं और इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई, अच्छी तरह तो है उन्होंने भाई वो तो है, लेकिन पाकिस्तान ने भी कमाल कर दिया इस मरतबा जो
जो यार न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा कमाल उसने कर लिया है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान अच्छा खेला था लेकिन बाकी सब, मैं उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, मैं वेट करता रहा कम से कम डेढ़ घंटा, मैंने वेट किया, मुझे पता है डेढ़ घंटे के बाद फिर मैंने वीडियो बनाई थी और बाकी तमाम की वीडियो आई थी और बाकी तमाम का टाइटल चेक करें, पाकिस्तान जीता जी ड्रेन से पाकिस्तान, वो लख दी लानत तुम आप एंकरों पर, नहीं वो आंटी क्या नाम उसका, नहीं आंटी दूसरी सना, हाँ जी जी रेन से पाकिस्तान, वो तुम्हें अकल के दी, तुम्हें क्या पता था पाकिस्तान हार जाना, चले मान लिया हार, फिर अगर सेव किया है तो पाकिस्तान अगर यही साउथ अफ्रीका जीत जाता तो ये कहते से जीत जाता तो ये कहते पाकिस्तान दो डाला, साउथ अफ्रीका ने दो डाला, वाश कर दिया, सर्फ डाला, साबुन डाला, पता क्या क्या डिजिट डिजिट सॉरी फिर से वोट डाला, तो पता क्या क्या टाइटल आने थे, यही टाइटल ने लाशा लगा था आई थिंक था, सिर्फ एक मुजम्मल ने उसने कहा था पाकिस्तान बीट न्यूजीलैंड, बाकी वो जो हमारे बड़े प्रधान बने फिरते हैं आजकल बकवास किस्म के लड़के हैं, क्या नाम उसका शुएब चौधरी, उसने एक भी वीडियो इस पर बनाई, पाकिस्तान हार जाता मैं आपको गारंटी से कहता हूँ दो वीडियो पाकिस्तान के हारने पर आनी थी, एक उसने आबद से करवानी थी, वो एक उससे खच सबसे बड़ी खच और चवल वो आबद है, उसे एक करवानी थी पाकिस्तान की हार पर, एक खुद करनी थी आवाम से करनी, ये गारंटी लिख लो मेरे, उसकी एक स्ट्रेटजी बन गई है, उसने एक ना तरीका बना लिया लोगों के दिमागों के साथ खेलने का, पाकिस्तान जीता कोई वीडियो नहीं भाई। अब मैं देख रहा था कि अब उस जो है ना सोशल मीडिया पर लोग उसको जान चुके हैं, हकीकत उसकी क्या है, मैं उनको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है पाकिस्तान बुरा है, गंदा तरीन मुल्क है, पाकिस्तान टीम गंदी तरीन है यार, जब भारतीय वीडियो बनाते हो चवल इंसान जब जीतती तो फिर किसने बनानी है, मैंने तो बनाई थी, मैं डीट इसलिए किए थी, मुझे सिर्फ उसे हिट करना चाहिए था उसको शुएब को, लेकिन उस वक्त किसी की भी वीडियो नहीं आई जब हमने मैंने बनाई थी, इसलिए फिर मैंने डिलीट किया था क्योंकि मुजम्मल की भी आ गई थी और नायला की भी आ गई थी, सना की भी आई, चौधरी साहब की फिर भी नहीं आई थी, चौधरी जो शुएब चौधरी, फिर चौधरी की भी अगर मैं डिटेल बताऊं, चौधरी वो बाद में जो चौधरी लगाता है वो चूड़ा होता है, कमी होता है, वो बाद में चौधरी लगा, अगर मैं चौधरी लग गया डिटेल शुरू कर दूं ना तो घंटा गुजर सकता है, ये चौधरी कौन होता है, शुएब चौधरी बना फिरता है, लेकिन ये बुरा तरीन लफ्ज़ है, ये जो चौकीदार था ना चौधरी, खैर मैं की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी जो आप पढ़े लिखे लोग मुझे समझ गए होंगे कि चौधरी किसको कहते हैं, मरासी को चौधरी कहा जाता था, उनके नेम के भी आगे चौधरी, चौकीदारों को चौधरी कहा जाता था, यार मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी जो दोगली पुलिस थी ना वो शुएब की, वो मुझे अच्छी नहीं लगती शुरू से ही, ये नहीं आज से, सिर्फ वन साइड की बात करता है, पाकिस्तान हारे जी, पाकिस्तान को दो डाला, इंडिया ने दो डाला, श्रीलंका ने दो डाला, फलाना ने दो डाला, अब पाकिस्तान जीता कोई वीडियो नहीं, अब फिर क्या पाकिस्तान अल्लाह करे जीते कोई वीडियो मुझे नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो गैरत खा लेगा कि शायद मेरी वीडियो उस तक पहुंच जाए, मिलता नहीं वीडियो में नाटक होता तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।